नमस्कार, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। 2024 के आम चुनाव में अभी करीब 11 महीने बाकी हैं। ऐसे में सभी विपक्षी नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच आज हमारी संवाददाता नरगिस शेख ने कांग्रेस की महिला जिला सचिव रेशमी निकार से बातचीत की। कांग्रेस पार्टी के आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ हैं और क्या कुछ है खास, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं नरगिस शेख, न्यूज 5 एम जमशेदपुर। अभी मैं मौजूद हूं जमशेदपुर मानगो रोड नंबर 3 और हमारी जो बातचीत हो रही है कांग्रेस की जो पार्टी है रेशमी निगार जी से। आइए हम लोग उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनके बारे में और ये भी जानते हैं ये जो 2024 आ रहा है इसमें वो कैसा काम करेंगी और आगे उनका कैसा सपोर्ट रहेगा लोगों के साथ। नमस्कार, मैं रेशमी निगार, महिला जिला सचिव। मैं कांग्रेस से जुड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़े, हम लोग एकत्रित होकर कुछ अच्छा काम करें, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ छुपा हुआ नहीं है किसी से भी। और बीजेपी सरकार से सारे मुद्दों को लेकर हम लोग इतने तंग हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, जिसके लिए मैं गली गली हर जगह बस्ती वासियों से मिलती हूँ, जाती हूँ और सबके प्रॉब्लम को समझती हूँ किसको क्या जरूरत है, जैसे कि वृद्धा फॉर्म भरना, विकलांग फॉर्म भरना, विधवा लोग का हेल्प करना, ये सब करना चाहते हैं जो कभी बीजेपी सरकार ने नहीं की और ये कांग्रेस से ही ऐसी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए मुझे यहाँ आने में, बस इस पार्टी से जुड़ने में मेरा यही एक मकसद रहा है। कितना टाइम हुआ है ये कांग्रेस पार्टी में जुड़ के? जी, लगभग 1.5 वर्ष हो चुके हैं और मैं इससे पहले जब मैं पार्टी से नहीं जुड़ी थी फिर भी मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं मानगो क्षेत्र में आपको ये पद मिला है, मानगो में जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ आप या आप लोग वो लोग आपके साथ जुड़ के आप उनको क्या ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए? मैं उनको ज्यादा से ज्यादा, जैसे जो गरीब लोग हैं, जो विधवाएं हैं उनका फॉर्म भरा के उन्हें कुछ मिलना चाहिए, जो विकलांग है उनके साथ कुछ मदद होनी चाहिए, उन लोग को भी लगना चाहिए, जो यौन पीड़ित हो रहे हैं, जो किसी भी तरह से पीड़ित हैं, हमारे देश में कुछ भी हो रहा है उस समस्या को लेकर मैं सारी औरतें मिलकर, जैसा कि आप समझ सकती हैं कि नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो ये सब कुछ हम करना चाहते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस से कहना चाहते हैं। 2024 में आप किन्हें देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को ही देखना चाहेंगे हम भी, आप भी और सभी लोग राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। मैं इसीलिए काम कर रही हूँ ताकि 2024 में राहुल गांधी हमारा सरकार बने और जनता के चेहरे पर मुस्कान आए। मैं काफी टाइम से आपको देख रही हूँ और हमेशा हर एक जोश के साथ ये काम कर रही है रेशमी निगार जी, अगर आप लोग देख रहे हैं तो। और ज्यादा से ज्यादा कई किसी की भी प्रॉब्लम हो, किसी की भी समस्या हो, वो हमेशा साथ में खड़े रहती है। ये कभी नहीं बोलती है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये कहती जिसकी भी परेशानी है वो मेरी परेशानी है, हम उनके साथ हैं। दर्शकों, अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए ताजो खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।